आ जाओ भाई सारे बच्चे आ जाओ फटाफट और क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ कमेंट कर दें, एक बार कमेंट कर दें सबको। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर हो रही है? ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग करने जा रहे हैं अपनी क्लास बिजनेस स्टडीज की, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम था प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने उसके मीनिंग्स और उसके फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से कई सारे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी ले लिए थे। उम्मीद आप सारे बच्चे रिवाइज भी कर लिए होंगे, और मैंने पहले भी बताया था प्लानिंग के फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशंस को हिट करता है, इसलिए आपको फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके चलना है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊं जो आपके रिकैप के लिए जरूरी हो, बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्लानिंग के बारे में आप सुनते हो समझते हो तो दो पॉइंट बहुत क्लियर ढंग से आपको समझ आनी चाहिए, थिंकिंग इन एडवांस या और थिंक बिफोर यू एक्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। अब मैं आपको, और लास्ट क्लास में यह भी मैंने बताया था कि यह प्राइमरी फंक्शंस है, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं, ना सिर्फ प्लानिंग चैप्टर के लिए बल्कि आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चे किसी भी चैप्टर का जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी पॉस्ट डीसी पूरा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सारे चैप्टर्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है प्रोसेस का, यानी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलने वाली है आप सारे बच्चे समझ करके रख लिए, फंक्शंस के प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रोसेस बोलूं या स्टेप्स बोलूं बात एक ही है, अगर मैं आपको स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बोलूं तो भी आपको सेम चीज समझना है, अगर मैं आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बोलूं तो भी आपको सेम चीज समझ करके चलना है। तो जैसे आज हम लोग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, हर चैप्टर के अंदर उसका प्रोसेस और स्टेप्स इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस चैप्टर के अंदर भी आप सारे बच्चे बहुत ही कंसंट्रेटेड होकर के ये टॉपिक पढ़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस जो एग्जामिनेशंस में आना, लिख लीजिए रिटन एक छह नंबर का क्वेश्चन स्टेप्स और प्रोसेस पे आना ही आना है, चाहे वो प्लानिंग का पूछ दे, चाहे वो स्टाफिंग का पूछ दे, चाहे वो कंट्रोलिंग का पूछ दे, जिसका मर्जी उसका पूछ दे, आना ही आना है। इसलिए जब भी जिस चैप्टर में मैं प्रोसेस यानी स्टेप्स पढ़ाऊंगा आपको बहुत सतर्क होकर के चलना है। तो सारे बच्चे अटेंटिव हो जाए, प्लानिंग का आज हम लोग स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग का आज हम लोग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे एक टॉपिक होगा, जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो करते हैं उसके अंदर एक होगा प्लानिंग प्रोसेस का, आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, आपके प्रोसेस मिलेगा प्लानिंग प्रोसेस। आ जाए सारे बच्चे और टॉपिक डाल ले यहां पर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, आप सारे यहां पर टॉपिक डाले प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो कैसे हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानिंग प्रोसेस, या मैं ऐसे लिख दूं ना प्रोसेस ऑफ प्लानिंग तो ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग। और ये याद रखिए इसको मैं कभी भी आपसे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग करके भी पूछ सकता हूं, मैं ये भी पूछ सकता हूं बताओ भाई स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि जब आप प्लान बनाना स्टार्ट करते हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो क्या उसके प्रोसेस होती है, उसकी पूरी की पूरी स्टेप्स आपको बता करके चलना है। अब सारे बच्चे समझ करके चलेंगे, आप जब प्लान बनाते हो कि यार हमें कुछ करना है, हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाने हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज बनाने, जो भी बनाने हैं, क्यों बनाते हो? किसी भी प्लानिंग का सबसे पहला काम होता है उसका पर्पस, यानी अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है तो फिर आप उस काम का प्लान क्यों बनाओगे, क्यों बनाओगे? आप खुद सोचो, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो कि ये होना, तो एक उद्देश्य होता है ना, एक गोल होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव होती है ना, जिसको प्राप्त करने का आपके जुनून होता है, आपकी इच्छा होती है, आपको मजा आता है। तो भैया सबसे पहले प्लान के लिए आपके साथ ये रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे, यानी आप कोई भी काम जो करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, और जो तुम हासिल करना चाहते हो दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव इज योर ऑब्जेक्टिव। यानी प्लान स्टार्ट विथ सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला स्टेप होता है कि भैया पर्पस क्या है। तो सबसे पहला अगर स्टेप बोलू मैं, और याद रख लीजिएगा ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कोई लिमिटेशंस नहीं है,
ये कोई फीचर नहीं है कि जो किसी भी सीक्वेंस में आप बोल देंगे, नहीं, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करने हैं। व्हेन आई से स्टेप्स, तो जो मैं लिख रहा हूं नंबर वन पर, वो नंबर वन पर ही रहेगा। जो मैं टू पे लिख रहा हूं टू पर ही रहेगा। जो थ्री पे लिख रहा हूं थ्री पे ही रहेगा। स्टेप्स आप कभी नहीं, फीचर्स आप ऊपर नीचे चलाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस चलाओ ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कभी भी स्टेप्स को ऊपर नीचे मत चलाना स्टार्ट कर देना, याद रख लीजिएगा इस बात को। यानी जो आप प्लान बना रहे हो, तो प्लान सबसे पहले क्या होता है कि आप एक, आप अपना एक ऑब्जेक्टिव तय करते हो, एक गोल तय करते हो, भैया मुझे ये अचीव करना है, दैट इज दैट यू वॉन्ट टू अचीव। यस, सेजल ने कॉमेंट किया कि सर टारगेट, यस आप कह सकते हो कि दैट इज फिक्सिंग योर टारगेट, फिक्सिंग योर स्टैंडर्ड्स, जो तुम्हें प्राप्त करना है, दैट इज प्लान स्टार्ट विद सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एकदम सिंपल बात है। ओके सर, समझ गए हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि पहला स्टेप आएगा सेटिंग, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। यानी आप क्या करते हो, आप सबसे पहले तय करते हो टारगेट, टारगेट आप कह सकते हो गोल, आप कह सकते हो पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव, दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव, वॉन्ट्स टू अचीव, अचीव। भैया इसके बाद ही आप सारे पॉलिसीज, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे पर्पस जो भी बनाओगे, सबसे पहले ये प्राप्त करना है, तब तो उसके पीछे पीछे सारे नियम कानून और पूरा प्लान बना करके चलोगे, तब तो सोचना शुरू करोगे। लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा था हम लोग का पर्पस था कि पेपर बेच करके प्रॉफिट कमाना है, तो ये हमारा पर्पस था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, वी वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट बाई सेलिंग न्यूज पेपर। तब हमने प्लान बनाना स्टार्ट किया, अच्छा शाम 5 बजे पेपर वाला आएगा, तब प्लानिंग स्टार्ट हो रही है। याद रखिए प्लानिंग का सबसे प्रथम स्टेप जो है, जो आपका उद्देश्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वही होता है सबसे पहला स्टेप, दैट इज यू, दैट यू वॉन्ट्स टू अचीव। तभी तो उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रोसीजर, मेथड्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी बनाओगे, इसी टारगेट को तो अचीव करने के लिए बनाओगे। एकदम सिंपल हो गया कि आपके पास क्या है कि आप जो तय करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी देख सकते हैं यहां पर। ओके सर, अब समझ गए हम लोग कि हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स को उद्देश्य भी कह रहे हैं, उद्देश्य। देखना भाई हिंदी मेरे कॉपी मत करना। चलो भाई नंबर टू, अब आपका तय हो गया, अब आपका तय हो गया कि भाई आपने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया, आपने अपना ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिया। अब जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लेते हो ना, तो आपके माइंड में कई सारे अजम्पशंस आते हैं, एजम्पशंस आते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। आप कोई भी काम कर लेना, देखना आप जैसे 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हो, सोचना आप 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हो और आप कह रहे हो यार झंडा यहां लगाएंगे, लेकिन अगर बारिश हो गई तो, अगर धूप पड़ने लगा तो, तेज हवाएं चलने लगी तो, तो आप उसके हिसाब से अपने अरेंजमेंट करते हो कि नहीं करते हो, बोलो। कोई काम जब उद्देश्य प्राप्त करते हो, जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, सर टफ क्वेश्चन आ गया तो, इजी क्वेश्चन आ गया तो, लेंथी क्वेश्चंस आ गया तो, यानी आपका उद्देश्य नंबर लाने का, टॉपर बनने का, लेकिन फिर बाद में आपका उद्देश्य तय होने के बाद आपके मन के अंदर खूब सारी जो कल्पनाएं चलती हैं, अजम्पशंस चलती है, तो वो दूसरा स्टेप्स होता है कि आप अपने प्लानिंग के प्रेमाइसेस डिस्कस करते हो, अपने दिमाग के अंदर सोचते हो। तो डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस, ये होता है सेकंड। प्लानिंग प्रेमाइसेस का सीधा मतलब ये है कि मेकिंग अजम्पशंस, जितने भी पॉसिबल अजम्पशंस आपके ध्यान में आ रहे हैं, वो सारे अजम्पशंस को आपको सोच करके चलना है। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भविष्य में क्या क्या चीजें आपके ध्यान में, हर वो कल्पना जो हो सकती है आपके ध्यान में चल रही है, आपके उद्देश्य से रिलेटेड वो सारी कल्पनाएं आपके ध्यान में चलनी चाहिए। तो सेकंड स्टेप बच्चे हम लोगों ने रखा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस। और याद रखिएगा इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो यही बात आप बोलेंगे, मेकिंग अजम्पशंस, अजम्पशंस, मेकिंग assumptions फॉर फ्यूचर। यानी क्या क्या हो सकता है कि
क्या क्या हो सकता है, इसके लिए आप खूब सारे assumptions चला रहा। अब देखो दो चीजें तय हो गई, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा आपको याद करने में। सर हमने अपना उद्देश्य तय कर लिया, उद्देश्य तय करने के बाद क्या क्या भविष्य में हो सकता है उसके assumptions ले लिए, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। अब ध्यान से सुनो, अब खूब सारे assumptions होने के कारण आपके ध्यान के अंदर खूब सारा ऑप्शन भी आने लगेगा। अब आपका ध्यान कह रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे इस काम को कर सकते हैं, ऐसे एक काम को कर सकते हैं। यानी समझ रहे हो, आप अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग एजम्पशन यानी परिस्थितियों के अंदर कई सारे रास्ते चुनते हो। एक रास्ते के भरोसे नहीं जाते आप, एक रास्ते के भरोसे नहीं जाते आप। कहते हो कि अच्छा ये मुझे 90% लाना है, मुझे 90% लाना है। अगर टफ क्वेश्चन आया तो, इजी क्वेश्चन आया तो आपने अजम्पशंस कर लिए। अब आप उसके लिए क्या सोच रहे हो, ऐसा करते हैं हम लोग होम ट्यूशन लगवा लेते हैं एक रास्ता, ऐसा करते हैं हम लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं दूसरा रास्ता, चलो हम लोग अच्छे स्कूल में एडमिशंस ले लेते हैं वहां अच्छा टीचर पढ़ाएगा जी तीसरा रास्ता। यानी ऑब्जेक्टिव तय करने के बाद और एजम्पशंस करने के बाद आप उसको प्राप्त करने के जितने वेज पॉसिबल वेज हैं, जितने पॉसिबल वेज हैं, तरीका है जिसके जरिए आप अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, आप उसकी लिस्टिंग करते हो। आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के जितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जितने भी तरीके अवेलेबल हैं, आप उनकी लिस्टिंग करते हो। यानी क्या कर रहे हो आप कर रहे हो कि लिस्टिंग ऑल, लिस्टिंग में एग्जैक्टली इसका जो एनसीईआरटी ने यूज किया वो टर्म लिखा दूं, क्योंकि हेडिंग्स तो आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से चलाना है। तो लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी काम करने के जितने भी तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो सब की लिस्टिंग करते हो, यानी लिस्ट बनाते हो। कोचिंग करके अच्छा नंबर ला सकते हैं हम, होम ट्यूशन करके कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ करके कर सकते हैं, सब कुछ मिला करके कर सकते हैं। खूब सारे आपके ध्यान के अंदर क्या चलते हैं, एजम्पशंस, सॉरी खूब सारे आपके पास वो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स आता है कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके, उनकी आप लिस्टिंग करते हो। कोई भी काम आप ऐसे ही करते हो, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तभी आपके प्लान फेल होते हैं। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दीज स्टेप्स तभी तो आप फेल होते हो, तभी तो भविष्य में कहते हो यार ऐसे कर लिया होता तो वो काम हो गया होता, वैसे कर लिया होता तो काम हो गया होता। ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि आपने पहले वो सारे ऑप्शन ध्यान में नहीं रखे थे, पहले ऑप्शंस ध्यान में नहीं रखे थे। लेकिन क्या सारे ऑप्शंस सोचने का मतलब ये होता है कि सारे के सारे रास्ते तुम ट्राई करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे? नहीं, ये सारे लिस्टिंग करने का मतलब ये है कि इसके बाद आप अपना पूरा ब्रेन लगाओगे कि भाई इनको इवेल्युएट किया जाए, यानी सबके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे जाए। ये रास्ते से चले तो क्या फायदा क्या नुकसान, ये रास्ते से चले तो क्या फायदा क्या नुकसान, ये रास्ते से चले तो क्या फायदा क्या नुकसान। यानी हर अल्टरनेटिव, हर ऑप्शंस को आप बड़े ही ध्यान से स्टडी करते हो, उन्हें इवेल्युएट करते हो, उनको परखते हो कि तभी तो मदद मिलेगी कि कौन सा रास्ता चुने, तब प्लान नहीं फेल होगा आपका। यानी ये सारे के सारे जो आपने अल्टरनेटिव और ऑप्शंस बनाए हैं उनको आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, इवेल्युएटिंग ऑल द लिस्टेड अल्टरनेटिव्स ऑप्शन, यानी परख रहे हो। मैं लिख रहा हूं यहां पर परख रहे हो सारे के सारे ऑप्शंस को आप क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। एकदम देखिए, बिल्कुल किसी भी बच्चे को इस तरीके से पढ़ा दो तो पूरा का पूरा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग आपको बता देगा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बता देगा। आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, अपना उद्देश्य तय करते हैं। सर हमें ये उद्देश्य है, जैसे हम लोगों ने 90s सोचा वैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सोच सकती है, एक्सपेंशन सोच सकती है, कुछ भी सोच सकती है। हमने तय करा, हम लोग उसके बाद कई सारे अजम्पशंस आते हैं, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वैसा हुआ तो सोचते,
फिर उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खूब सारे रास्ते तय करते हैं, ये रास्ते से चल सकते हैं, ये रास्ते से चल सकते हैं, ये रास्ते से चल सकते हैं, लेकिन उन रास्ते का फिर फायदा नुकसान चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, परखते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है हमारा। इसलिए ये बनता है इवेल्युएटिंग ऑल द लिस्टेड अल्टरनेटिव्स, दैट इज बेस्ट, विच इज बेस्ट, वो चुनना है। तो उससे पहले उसके इवेल्युएशंस का काम चलेगा, इवेल्युएशंस का काम चलेगा। और एक बार जब आप परख लेते हो, एक बार जब आप परख लेते हो बच्चे, तो क्या करोगे, उन्हीं में से सबसे जो बेस्ट प्लान है, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है ना, उसे चुन लिया। सबसे बोलो क्या टफ लग रहा है इसके में? अच्छा, हेडिंग याद है तो अंदर के एक्सप्लेनेशंस में पहले भी कह चुका हूं, आप अपने चलाओ किताब को एक बार रीड करो, फिर तुमको जितना थोड़ा बहुत लगता है समझ आता है उन लाइनों को लिखना स्टार्ट कर दो। बस नहीं कुछ समझ आता है तो इन्हीं लाइनों को रिपीट मार दो। मान लो तुमने लिख दिया ये, सेटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब आपको समझ नहीं आ रहा एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करें, देखो सीधा बोलो, After evaluating all the listed alternatives, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। After evaluating all the listed alternatives, it is the role of management to select the best alternative for performing the plan या for achieving the objectives। देखो कितना सिंपल है, किसी भी चीज को अपने भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो if you have the headings। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ क्या ये पांच स्टेप्स में किसी भी बच्चे को कोई समस्या है क्या? एकदम सिंपल स्टेप एक बार सीख लिया और यही याद होकर के जाएगा, माइक ऑन करके अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहीं के यहीं सारे स्टेप्स हम लोग को याद हो जाएंगे। फटाफट बोलो क्या किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं बगल में लिख रहा हूं। अब सोचिए, अब इसके बाद क्या है ना, एकदम यही मेन है, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ठीक है एक बार आपने बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया, आप क्या करो इसको प्लान को लागू कर दो। बस एक लाइन में लिखना है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। एक बार इफ यू हैव डिसाइडेड द बेस्ट ऑप्शन नंबर सिक्स पर क्या करना है आपको, इंप्लीमेंटिंग द प्लान यानी प्लान को लागू कर दो। बस क्लियर एकदम। वंस, अब देखो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, वंस वी डिसाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव, once the organization decides the best alternative to achieve the objective, the organization implements the plan throughout the organizations। ho gaya khatam explanations, yani organizations plan ko implement kara deta hai, lagu kara deta hai ek bar jo best alternative tay ho gaya। ye dekhiye 6 mein aapka yahan par 6 mein तय हो गया कि आपका पूरी की पूरी प्लान कैसे तय हो रही है। आपने प्लान को क्या कर दिया बच्चे, आपने प्लान्स को क्या कर दिया यहां पर, इंप्लीमेंट्स कर दिया यहां पर। सीधे बात है, इन एक्शंस लेकर के आगे, यानी दैट इज पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। लो भैया, प्लान को एक्शन में लेकर के आगे लागू करा दिया, जो करना चाहते थे उसको करा दिया, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शंस, दिस इज। लेकिन यहीं पर प्लानिंग का प्रोसेस नहीं समाप्त होता बच्चे। कोई भी काम, आपको मैंने पहले बोला आपने प्लान लागू करा दिया इसका मतलब प्लान सक्सेसफुल हो गया? नहीं, निरंतर उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी और उसको हम लोग कहते हैं फॉलो अप लेना। जैसे मैं बीच बीच में आपसे पूछता हूं ना, फीडबैक लेता हूं, जैसे समझ आया कि नहीं, मैंने सारी बातें बताने के बाद बार बार मैं आपसे पूछता हूं समझ आया कि नहीं, सीखे कि नहीं, और फिर जब आपसे मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं उसके हिसाब से काम करता हूं। यानी प्लान यहीं तक नहीं है, लागू कर देना सिर्फ प्लान नहीं है, प्लान को फॉलोअप में लेना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है प्लान सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, क्या चीजें प्लान के हिसाब से हैं कि नहीं। ये फॉलोअप वाला प्लान ज्यादा बेहतर आपको कंट्रोलिंग में समझ आएगा, फॉलोअप मतलब कंट्रोलिंग आ गई, समझ लीजिए बात। इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में रिलेटेड चैप्टर हैं। तो प्लान लागू करने के बाद आपको ये देखते रहना है कि भैया कि प्लान चल रहा है कि नहीं, जो भी प्लान किया गया है बताया गया है क्या वो सारी चीजें उसके आधार पर चल रही है कि नहीं। इसलिए लास्ट स्टेप में आता है बच्चे फॉलो अप, यानी इसको हम लोग कह रहे हैं फॉलो अप। क्यों?
क्योंकि सर प्लानिंग हम लोगों ने बोला है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस में यानी प्लान लागू होने के बाद भी हम उस प्लान को देखते रहते हैं सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। वी नीड टू मॉनिटर द प्लान कि इज एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, और अगर कुछ डायनेमिक चीजें हो रही हैं, चेंजेस हो रहा है वातावरण में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो कहीं हमें कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, प्लान को कहीं बदलने की जरूरत तो नहीं है। हम कई बार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना करके चलते हैं कि इस प्लान में फेल हुए तो दूसरा प्लान लेकर के आ जाए। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है, यानी इट बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग करके छोड़ नहीं सकते हम लोग, इसलिए फॉलो अप कर रहे हैं यानी मॉनिटरिंग द प्लान। हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग द प्लान यानी क्या हम लोग चेक करके चलते हैं, चेकिंग ऐसे लिख सकते हैं, इज एवरीथिंग गोइंग एज पर प्लान। तो ये देखते रहना है हम लोग को कि क्या हर एक चीज एज पर प्लान चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसके अंदर इफ सम चेंजेस रिक्वायर्ड वी नीड टू मेक इट। हमें लगता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो हम थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे, तो फॉलो अप भी लेते चलना है। ये 7 steps है हमारे प्लानिंग का, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ऐसे लगाते हैं वी टू द पावर इंफिनिटिव इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात भी नहीं कर सकता। चलो भाई बताओ, क्या सारे बच्चे फॉलोअप भी समझ गए और पूरा का पूरा प्लान का प्रोसेस समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार फटाफट कमेंट्स करके बताएंगे। क्या ये सारे बच्चे ये समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर एक कमेंट आया, सर फीजिबल मतलब क्या होता है? फीजिबल का मतलब होता है बच्चे, ध्यान से सुनो, फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, या फिजिबल का मतलब होता है उचित, रीजनेबल, क्या पॉसिबल है कि नहीं, या ऐसा संभव है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को हम लोग कहते हैं फिजिबल, फिजिबल इसी को हम लोग चेक करते हैं, फिजिबल ये सारी चीजें हम लोग देख करके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग अपने नजर में, अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठाएंगे। एक बार सारे बच्चे माइक ऑन करें और फटाफट मेरे साथ रिवाइज करें, इसके बाद इस आंसर्स को लर्न करने के लिए विशेष तौर पर समय देने की जरूरत नहीं है, हेडिंग्स के हेडिंग्स यही याद होंगे, एक्सप्लेनेशंस आप अपने चला सकते हो, थोड़ी बहुत रीडिंग चाहिए 1 से 2 मार्क्स में, 1 से 2 लाइन में बस एक्सप्लेनेशन। ये बड़ी बड़ी भाषणबाजी तो आपका किताब करता है, यहां पर जो आपका करता है ना भाषणबाजी, उतनी भाषणबाजी नहीं करनी होती आपको, अपने मन से लिखिए और आंसर पाइए, लेकिन हेडिंग्स अच्छे होने चाहिए। चलिए माइक ऑन करेंगे सारे बच्चे, फटाफट बताओ स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस का। नंबर 1 क्या करते हैं हम लोग, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे ऐसा नहीं मुझे मजा आता, जो भी नहीं बोलना चाहता क्लास लीव करके चला जाए, सबका एक साथ आवाज आना चाहिए। सब वेट क्यों करते हो कि एक जवाब दे देगा तो मैं जवाब दूंगा, सब एक साथ बोलो, आवाज फटती है फटने दो, जैसे भी आती है। नंबर 1 स्टेप कौन सा है, फटाफट, अभी भी नहीं बोल रहे हैं सब। चलो नंबर 2, एक बार ऑब्जेक्टिव्स तय कर दिया तो क्या करते हो, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रमाइसेस, मतलब क्या होता है प्रमाइसेस, मेकिंग डिफरेंट अजम्पशंस, कल्पनाएं खूब करते हैं हम लोग, यस। और थर्ड नंबर, एक बार आपने प्रमाइसेस तय किया उसके बाद फटाफट बताओ, उसके बाद Various alternatives, listing the various alternatives, उसके बाद क्या करते हो, परखते हो कि भैया क्या हमने जो options लिए हैं उसमें क्या उनके pros हैं, क्या cons हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप सब, चलो वेरी गुड, उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस है, उसको करने का करते हैं, उसके बाद क्या करते हो, प्लान को लागू करते हैं, वेरी गुड, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, और उसके बाद प्लान लागू करके भाग जाते हो, नहीं फॉलो अप लेते हैं, क्यों लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मॉनिटरिंग करते रहो, क्योंकि प्लानिंग कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार निरंतर, और कुछ कमियां हैं तो फिर अगले प्लान्स की ओर हम लोग उसका सुधार करने के लिए आएंगे।
ठीक है। तो बच्चे ये आपको रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, अपने ध्यान के अंदर भरना है। तो हम लोग बिल्कुल सही सही समय समय पे चल रहे हैं, धीरे धीरे इन सारे टॉपिक्स को अपने ध्यान के अंदर पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद करके चलना है, रिवाइज करके चलना है, और उसके बाद इसके ऊपर केस स्टडीज भी आ सकती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग केस स्टडीज में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, छोटी सी क्लास है, आपको मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आप सब बच्चे रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।